हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफायर्स के बारे में। सो जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम जावा प्रोग्रामिंग है जो कि राजस्थान कंप्यूटर टीचर के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमने जावा प्रोग्रामिंग यहाँ पे स्टार्ट की हुई है और इससे पहले भी हम 4-5 सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। जावा प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में हम इस कोर्स में यहाँ पे हम एक वीडियो बना चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, अगर जिसने नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये सेकेंड वीडियो है जिसमें जावा प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे सीख रहे हैं और जावा प्रोग्रामिंग को हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो आ सकते हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मैं बार बार वो ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये ना सोचे कि हमें कंप्लीट प्रोग्रामिंग सीखनी है, कंप्लीट जावा प्रोग्रामिंग सीखनी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओवरव्यू आना ज़रूरी है, आपको प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोग्राम लिखवाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो हम बेसिक जो नीड है वही यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आज वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करके कमेंट करके बताया करो और शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं बोल देता हूँ आज स्टार्टिंग में। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफायर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डेटा टाइप्स के बारे में देखा था, डेटा टाइप्स क्या होती है, फिर हमने डेटा टाइप्स के टाइप देखे थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिनको हम रेफरेंस डेटा टाइप भी यहाँ पे कहते हैं। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले वीडियो में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफायर्स। अब देखा जाए तो आइडेंटिफायर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं सी लैंग्वेज में, C++ जब हमने पढ़ा था। मैंने बोला था ये कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये कॉमन टॉपिक्स हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आइडेंटिफायर्स हम वैसे देखा जाए तो डिस्कस कर चुके हैं, बट हम यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे इनिशलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम फिर से यहाँ पे एक बार देख लेंगे। तो पहले हम ऑलमोस्ट ये डिस्कस कर चुके हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा और हमारा कोर्स भी हो जाएगा जावा का, ठीक है। सो आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था, आइडेंटिफायर्स बेसिकली नेम होते हैं। आइडेंटिफायर्स मतलब कि वो आइडेंटिफाई करते हैं किसी को। अब किसको आइडेंटिफाई करते हैं, सो आइडेंटिफायर्स देखा जाए तो एक वेरिएबल, सॉरी एक नेम होता है। अब वो नेम किसका होगा, चाहे वो वेरिएबल का नेम होगा, चाहे वो फंक्शन का नेम होगा, चाहे वो कॉन्स्टेंट वेरिएबल होगा उसका नेम होगा, या फिर कोई हम पैकेज बनाएंगे, कोई क्लास बनाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनके नेम होंगे। तो जो ये क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, मेथड्स, वेरिएबल्स, ये सब चीज़ जो हम यूज करते हैं, इनका नेम हम डिफाइन करते हैं। सो जो नेम होता है, वो वेरिएबल होता है, उसको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं बेसिकली। सो आपको समझ आ गया होगा आइडेंटिफायर्स क्या है। ये एक वेरिएबल है, जो एक वेरिएबल नेम है बेसिकली, जो कि हम हमारी क्लास को, हमारे फंक्शंस को, हमारे वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, इनको हम असाइन करते हैं। ऑलराइट, अब ये नेम है तो जैसे हम देखोगा कि नेम हम एक तरीके से जो नेम हम डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफायर्स है, जो वेरिएबल है, नेम है, तो अब उस नेम को डिफाइन करने के कुछ नियम होंगे कि कैसे हम उनको डिफाइन करेंगे। ये तो नहीं कि हम कुछ भी नेम रख देंगे वो वैलिड होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था कि हम जो भी कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं, उनको हम एज ए वेरिएबल आइडेंटिफायर्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से रिजर्व वेरिएबल हैं, ठीक है, जिनका मीनिंग कंपाइलर पहले से जानता है, उनको हम यूज नहीं कर सकते। तो जो कोई नेम हम रखेंगे आइडेंटिफायर्स का, वो कोई रूल है उसके हिसाब से हम रखेंगे, तो वो आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं। वो क्या रूल हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये तो आपको यहाँ पे बेसिकली अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। आइडेंटिफायर्स बेसिकली नेम्स होते हैं एक तरीके से, जो किसको असाइन किए जाते हैं, नेम असाइंड टू वेरिएबल्स, फंक्शंस, कॉन्स्टेंट, क्लास, जो भी ये हम यहाँ पे बनाते हैं, इन सब का जो नेम हम डिफाइन करते हैं, जिस कोई वेरिएबल उसका नेम डिफाइन करेंगे, तो वो नेम हम जो डिफाइन करते हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब बात हम ये करते हैं कि जो आइडेंटिफायर्स हम जो डिफाइन करते हैं उनके रूल क्या है। जैसे हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था कि वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, उसमें अंडरस्कोर का हम यूज कर सकते हैं, वाइट स्पेस नहीं हो सकते, तो ये कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम वेरिएबल्स या फिर आइडेंटिफायर्स का नेम हम यहाँ पे असाइन करते हैं। सो रूल्स क्या होते हैं, जैसे हम यहाँ पे
डिस्कस करते हैं पहले रूल्स, वो क्या रूल्स हैं। अब इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो रूल्स आपको रखने ही हैं, बट आपको पता होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आ सकता है कि कौन सा एक वैलिड आइडेंटिफायर है, कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है, तो ये पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ा याद रखने की ज़रूरत, मतलब ऐसे टफ नहीं है जो आप याद रखेंगे, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। जैसे पहला है यहाँ पे रूल्स की हम बात करें, सो आइडेंटिफायर्स है जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है, जब कोई नेम देंगे तो कॉम्बिनेशंस है कैरेक्टर का, डिजिट का या कुछ स्पेशल सिम्बल्स का। जैसे जो हम आइडेंटिफायर्स बनाएंगे वो किसका यूज कर सकते हैं हम, ये कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है, डिजिट्स का एंड अंडरस्कोर, और यहाँ पे अंडरस्कोर और यहाँ पे डॉलर साइन भी यूज किया जाता है, डॉलर और बस यही होगा यहाँ पे, है ना। सो रूल्स जो हम उसके डिफाइन कर रहे हैं नेम आइडेंटिफायर्स का, वो कॉम्बिनेशन होगा किसका, उसमें या तो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर साइन यहाँ पे हो सकता है। सो इनका यूज करके हम जो आइडेंटिफायर्स है उनका यहाँ पे हम नेम बना सकते हैं, इनका ही कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड बात क्या होगी, उसमें कोई वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, नो वाइट स्पेस, कोई भी वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लेट से नेम बनाया था यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो ये एक वैलिड है क्योंकि ये इसका एक्स वाई अल्फाबेट्स का यूज करके बनाया है, ठीक है। बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि लेट से माय नेम, सो माय और नेम के बीच में यहाँ पे स्पेस आ गया है, तो ये एक तरीके से इनवैलिड है। इसका मतलब है नो वाइट स्पेस, इसमें कोई वाइट स्पेस नहीं हो सकता है। ऐसे हो सकता है सीधा माय नेम विदाउट स्पेस, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर, एक वैलिड नेम है, तो ये ठीक होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, तो ये एक यहाँ पे नहीं होगा। सेकंड बात हुई यहाँ पे नो वाइट स्पेस। थर्ड यहाँ पे होगी कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, आपका जो आइडेंटिफायर नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, शुड नॉट बिगिन या स्टार्ट विद डिजिट, जो भी आइडेंटिफायर नेम होगा वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। हमने देखा अल्फाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर, डॉलर, इनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, बट जो डिजिट है इससे स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब कि डिजिट को बीच में यूज कर सकते हैं, पहले यूज नहीं कर सकते हैं। सो इसका एग्जाम्पल मैं जैसे बताऊँ, लेट से आप कोई भी यहाँ पे बना रहे हो माय नेम वन, ठीक है, तो माय नेम वन या नेम वन यहाँ पे हो जाएगा, तो आप ये यूज कर सकते हैं, जैसे ये वैलिड आइडेंटिफायर है। जैसे आप नेम वन या फिर नेम टू या फिर नेम टू या फिर ऐसे लिख सकते हैं माय टू नेम, मतलब मैं अजीब से नाम लिख रहा हूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि जो डिजिट है उससे स्टार्ट नहीं हो सकता है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं माय नेम वन लास्ट में डिजिट यूज कर सकते हैं, नेम वन नेम टू मतलब लास्ट में डिजिट यूज कर सकते हैं, या फिर बीच में भी आप डिजिट यूज कर सकते हैं माय टू नेम, बट आप ऐसे नहीं कर सकते टू नेम। तो कहने मतलब डिजिट पहले यूज नहीं कर सकते हैं, ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर्स होगा। आप डिजिट को बीच में यूज कर सकते हैं, लास्ट में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में डिजिट को आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ होगा, यहाँ पे आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका नेम है जो स्टार्ट हो सकता है अंडरस्कोर से। नेम कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर, मतलब अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, जैसे पहले अंडरस्कोर लगा दिया और ये नेम, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर्स होगा, अंडरस्कोर से यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप जैसे अंडरस्कोर टू नेम, अब ये एक वैलिड आइडेंटिफायर्स होगा क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कन्फ्यूज ना हो, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसके आगे हमने अंडरस्कोर लगाया हुआ है और हमने देखा कि अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है आइडेंटिफायर्स नेम या तो अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से, दो ही चीज़ों से स्टार्ट हो सकता है, अल्फाबेट अंडरस्कोर, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने अभी बताया यहाँ पे अंडरस्कोर टू नेम, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये अंडर स्कोर से स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ पे वैलिड है। अब आपको सपोज कोई बड़ा नेम है तो उसको आपको जोड़ ऐड करना है, जैसे कि नेम हो गया लेट से माय नेम, ठीक है, तो आप यहाँ पे वाइट स्पेस नहीं दे सकते बट आप इसको अंडर स्कोर से ऐसे जोड़ सकते हैं माय अंडर स्कोर नेम,
तो अंडरस्कोर से आप इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम होगा। सो आपको रूल्स कौन कौन से ध्यान रखने हैं, अल्फाबेट डिजिट्स अंडरस्कोर डॉलर साइन इनसे स्टार्ट, इनका कॉम्बिनेशन होगा। वाइट स्पेस इसमें यूज नहीं कर सकते हम, और शुड नॉट स्टार्ट विद एक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, और कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। और जैसे मैंने बताया डॉलर साइन का भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, तो बीच में हम डॉलर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था इसमें डॉलर साइन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे वेरिएबल नेम हो जाएगा माय डॉलर नेम, तो इस तरीके से डॉलर आप बीच में यूज कर सकते हैं, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, डॉलर का भी यूज कर सकते हैं। सो ये हो गया यहाँ पे कुछ, और इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, लेंथ की कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी बड़ा हो सकता है, बट नॉर्मली हम ज़्यादा बड़े वेरिएबल्स प्रिफर नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि कितना बड़ा, कितनी बड़े लेंथ का हम यहाँ पे वेरिएबल्स आइडेंटिफायर डिफाइन कर सकते हैं, कोई ऐसी यहाँ पे लिमिट नहीं होती है। सो ये हमने देखा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या होते हैं, और उन रूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पे लिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक वैलिड आइडेंटिफायर है, तो वो आपको बताना होगा कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है, तो वो आप बता सकते हैं जब आपको ये नियम पता होंगे, ये रूल्स यहाँ पे पता होंगे तब। ऑलराइट, सो यहाँ पे नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स की, आइडेंटिफायर्स हम यहाँ पे देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है ये हमको पता है, हम सी में खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल एक नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, कोई भी मेमोरी लोकेशन जहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, सो उसका नेम होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि सपोज ये कोई मेमोरी है, मैंने अच्छे से समझाया था जब हम सी लैंग्वेज में पढ़े थे, सपोज ये कोई मेमोरी है, ठीक है, और ये मेमोरी लोकेशन से, तो सपोज हमको इस मेमोरी लोकेशन पे 10 वैल्यू असाइन करनी है, तो अब ये मेमोरी में 10 कहाँ पे असाइन है वो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब मेमोरी में कहीं असाइन है बट मेमोरी एड्रेस है, हमें उसको एक्सेस करना है, तो हमें उसका कोई नाम देना होगा उस मेमोरी को, ताकि हम आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम उस मेमोरी लोकेशन को कोई नाम दे देंगे जिससे हम उसको समझ सकें। वैसे तो मेमोरी एड्रेस है, इसका कोई नेम होगा, कोई भी एक एड्रेस होगा कि कौन से एड्रेस पे स्टोर है, ठीक है, बट उस एड्रेस से हम याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है, वो उसको हम क्या करेंगे, जो मेमोरी है कोई भी एक मेमोरी लोकेशन है जिस पे ये वैल्यू असाइन है, ठीक है, तो इस मेमोरी लोकेशन का कोई हम नेम दे देंगे, तो उस मेमोरी लोकेशन का जो नेम है उसी को हम यहाँ पे वेरिएबल बोलेंगे। लेट से ये 10 है जो यहाँ पे कोई भी एक मेमोरी लोकेशन है उसमें स्टोर है, तो हम क्या करेंगे इसको एक नेम दे देंगे एक्स। तो अब हम क्या किया, हमने उस मेमोरी लोकेशन का नेम एक्स डिफाइन कर दिया, तो हम उसमें अब 10 असाइन करना चाहते हैं उस मेमोरी में, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल 10। तो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स एक यहाँ पे एक वेरिएबल है। अब वो वेरिएबल किसका है, वेरिएबल क्या होता है बेसिकली, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, कोई भी मेमोरी लोकेशन उसका नेम है। जैसे हम यहाँ पे अब वाई लिख सकते हैं, वाई इक्वल लेट्स से 20, वाई में 20 कहीं भी मेमोरी में, लेट्स से मैंने 20 असाइन किया, तो उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है वाई। तो हम बाद में अगर वाई को उस 20 को असाइन एक्सेस करना चाहते हैं, कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं, तो हम वाई का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे हम सपोज 20 और 10 का सम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं सिंपल, क्योंकि ये भी मेमोरी लोकेशन है जिसमें 10 असाइन है, ये भी मेमोरी लोकेशन है जिसमें 20 असाइन है, तो हम इनको एक्सेस कर सकते हैं इजीली वेरिएबल की सहायता से। अब वेरिएबल नेम है तो हमने बताया डेटा टाइप भी यूज करते हैं हम उसके सामने, कि जैसे ये कोई मेमोरी है तो इसमें कोई हम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, तो पहली बात तो उस मेमोरी लोकेशन का नेम हम डिफाइन कर रहे हैं, बट वहाँ पे डेटा टाइप भी हम यूज करते हैं, और डेटा टाइप क्या करता है, वो बताएगा कि उस वेरिएबल की टाइप क्या है, कौन सा वो वेरिएबल होने वाला है, इंटीजर है, करेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है, कौन सी टाइप का वेरिएबल है वो आपको बताना होगा, और उसकी साइज क्या है, इंटीजर टाइप का है, कौन सी टाइप का है, करेक्टर टाइप का है, ठीक है, तो कौन सी टाइप है वो टाइप भी आपको बताना होगा, जिससे इसको पता चलेगा कि कितनी साइज वो यहाँ पे कंज्यूम करेगा। भाई मेमोरी में स्टोर कर रहा है तो उसको पहले बताना होगा ना कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट यूज करेगा, ये वेरिएबल डबल या फ्लोट टाइप का है तो ये 8 बाइट यूज करेगा, ये आपको पता होना चाहिए, इसको बताना पड़ेगा, तो इसीलिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। सो इन शॉर्ट आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं इसका यहाँ पे सिंटेक्स क्या हो गया, वेरिएबल डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली वेरिएबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या हो जाएगा, पहले हम डेटा टाइप यूज करते हैं, डेटा टाइप और फिर नेम ऑफ वेरिएबल, बस। जैसे आपको एक्स वेरिएबल बनाना है तो आपको क्या करना है, इंटीजर टाइप का लेट से वेरिएबल बनाना है तो आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर एक्स,
बस ये एक वेरिएबल बन चुका है एक्स का, और जिसकी टाइप इंटीजर है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये 4 बाइट कंज्यूम करेगा और इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। कोई और वेरिएबल बनाएंगे, जैसे हम इंटीजर एक्स बनाया हमने, अब यहाँ पे कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज हमें इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल बनाने, तो आप बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे कि इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, ठीक है, इंटीजर जेड, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ठीक है। बट आप एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, आप यहाँ पे इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसका मतलब भी वही है कि 3 वेरिएबल्स बनाए जो इंटीजर टाइप के हैं। तो वेरिएबल आपको समझ आ गया कैसे बनाते हैं। अब जैसे एक कैरेक्टर टाइप का बनाना है, तो आप क्या करेंगे, कैरेक्टर ए, लेट से ए वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है जिसकी टाइप कैरेक्टर है। अब डबल या फ्लोट कोई भी बनाएंगे, लेट से फ्लोट टाइप का बनाएंगे, तो फ्लोट यहाँ पे मैं वाई लिख सकता हूँ, तो ये फ्लोट टाइप का है जो फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करेगा जिसका नेम वाई है, ठीक है। तो कैसे वेरिएबल बनाते हैं ये आपको समझ आ गया। सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे डेटा टाइप होगा और वेरिएबल का नेम होगा, दैट्स इट। अब वेरिएबल हमने बनाना सीख लिया, वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना होगा हमें, कि वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो कैसे असाइन करते हैं, उसका भी कोई सिंटैक्स होता है। सो बेसिकली ये था वेरिएबल क्रिएट करना, वेरिएबल डिफाइन करना। अभी हमने सपोज एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, यहाँ पे सपोज मैंने वेरिएबल बना दिया इंटीजर एक्स, ये वेरिएबल बना दिया, बट अभी एक्स में कोई वैल्यू नहीं है, हमने एक्स में कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, वो सिर्फ एम्प्टी है, अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं है, हमने बस एक वेरिएबल बनाया है। जैसे हमारे पास कोई ये मेमोरी है, जैसे मैंने बताया था लेट से कोई मेमोरी है, तो इस मेमोरी में हमने लेट से इस मेमोरी को नाम दे दिया एक्स, ठीक है, नाम दे दिया है, बट इसमें अभी कुछ हमने वैल्यू स्टोर नहीं किए, ये हमने सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, मेमोरी लोकेशन का नाम दिया है कि इस लोकेशन का नाम यहाँ पे एक्स है, बट हमने उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंपल आप क्या करेंगे, इंटीजर एक्स इक्वल करके यहाँ पे असाइन, इक्वल साइन का यूज़ करके हम उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे, असाइन ऑपरेटर का यूज़ करके, इक्वल 10। तो ये कंप्लीट यहाँ पे सिंटैक्स हो गया। हमने क्या किया अब इसमें, हमने एक साथ देखो ये वेरिएबल भी बना दिया हमने और उसमें वैल्यू भी असाइन कर दी। तो अब इंटीजर x इक्वल 10 लिखने का मतलब है कि हमने x एक वेरिएबल बनाया है और उसमें हमने 10 भी असाइन कर दिया है। जैसे मैं फ्लोट टाइप का बनाऊंगा, लेट्स से फ्लोट y इक्वल 20.5, तो हमने क्या किया, एक फ्लोट टाइप का y नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 20.5 वैल्यू भी असाइन कर दी। एक साथ आप असाइन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले आप वेरिएबल बना देते हैं इंटीजर x, और फिर आप क्या कर सकते हैं x में 10 स्टोर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दो लाइन में लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं इंटीजर x इक्वल 10, दोनों का मतलब सेम है। आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्लोट y, और फिर y इक्वल 20.5 भी लिख सकते हैं दो लाइन में, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं फ्लॉट y इक्वल 20.5। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो आपको क्या करना है, कैरेक्टर a, और इसमें कोई वैल्यू असाइन करना है, लेट से c असाइन करना है, तो स्ट्रिंग एक कैरेक्टर को डबल सिंगल कोट्स में लिखते हैं इस तरीके से। तो हमने क्या किया, कैरेक्टर टाइप का a नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने c वैल्यू असाइन कर दी। तो ये था कैसे आप वेरिएबल्स बनाते हैं और कैसे वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करते हैं। अब ये तो हो गया, हमने वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन किए, अब हम चाहते हैं कोई वेरिएबल में वैल्यू असाइन ना करें, हम ही बाद में वैल्यू असाइन करेंगे। तो लेट से आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर एक्स, अब इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं किए, अगर हम ऐसे लिखते हैं एक्स इक्वल 10, तो इसमें हमने 10 असाइन कर दिया है, बट हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, सिर्फ हम वेरिएबल बना के हमने छोड़ दिया, बाद में हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो कहने का मतलब है अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, हम जस्ट एक वैल्यू वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो उसमें कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप आ जाएगी। हम या तो कोई वैल्यू असाइन करें, कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। तो वो हम देखने चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। जैसे अगर हम बाइट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, बाइट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0, और हम अगर सॉर्ट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है, और इंटीजर की वैल्यू भी 0 होती है, और लॉन्ग ये डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, और फ्लॉट फ्लॉट की भी यहाँ पे 0.0f ऐसे यूज करते हैं यहाँ पे, है ना, और डबल होता है, डबल की भी यहाँ पे 0.0d से यूज करते हैं, और कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर में बेसिकली क्या है, नल कैरेक्टर होता है नल, और लास्ट क्या बचा, बूलियन बचा, बूलियन में फॉल्स होता है, और एक होगा कोई भी रेफरेंस वेरिएबल, हमने देखा था रेफरेंस वेरिएबल है उनमें नल असाइन होता है। सो ये क्या है बेसिकली, ये है डिफॉल्ट वैल्यूज,
डिफॉल्ट वैल्यूज। मान लो हम कोई इंटीजर टाइप का ऐसे वेरिएबल बनाते हैं, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का है तो उसमें जीरो असाइन हो जाएगा, ठीक है। और लेट से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कोई भी बूलियन वेरिएबल बनाया, लेट से बूलियन एक्स, तो या तो हम एक्स में ऐसे ट्रू या फॉल्स कुछ असाइन कर दें, फॉल्स, या फिर हम उसमें ट्रू असाइन कर दें, तो ट्रू फॉल्स असाइन कर देंगे, ठीक है। बट हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट एक्स में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है। डबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 होगा, अगर इंटीजर टाइप है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा। तो ये हैं बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं कि अगर हम कोई जैसे कोई वेरिएबल बना के छोड़ दिया इंटीजर कैरेक्टर टाइप का या सी इंटीजर टाइप का, फिर वो पूछेगा कि सी की वैल्यू क्या है, तो डिफॉल्ट वैल्यू फिक्स होती है जावा में। तो ये आपको याद रखना है, बाइट की, शॉर्ट की, इंट की, इनकी जीरो होती है, लॉन्ग की भी जीरो होती है, फ्लोट की 0.0, डबल की 0.0, जो मैंने आपको बता दिया है, जो डेटा टाइप्स हमने पढ़ी थी, इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज आपको यहाँ पे याद रखना है। जो रेफरेंस वेरिएबल है, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट से स्टूडेंट नाम का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट क्लास का, स्टूडेंट S1, और इस तरीके से बनाया, अब उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, तो S1 में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नल असाइन हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। सो ये आपने यहाँ पे देखा है। और लास्ट हम देखेंगे कांस्टेंट। बेसिकली कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे आपने इंटीजर एक्स इक्वल 10 बनाया, ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है। अब हम एक्स में बाद में हम यहाँ पे 30 लिख देंगे, तो एक्स में अब 30 हो जाएगा, बाद में इसको चेंज करके एक्स में हम 40 लिख देंगे, तो अब एक्स की वैल्यू 40 हो गई। मतलब हम वैल्यू वेरिएबल बनाए उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं बार बार। बट ऐसा कोई वेरिएबल आप बनाना चाहते हैं जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे प्रोग्राम में सेम कांस्टेंट रहे, तो उसको आप कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं। सिंपल, जैसे आपको देखा कि लेट से यहाँ पे इंटीजर पाई नाम का वेरिएबल बनाया आपने, या फिर मैं बनाता हूँ यहाँ पे फ्लोट पाई। जैसे पाई की वैल्यू लेट से आप चाहते हैं, फिक्स वैल्यू होती है, तो आप पाई की वैल्यू जो भी 3.14 होता है वो आप चाहते हैं कि ये कांस्टेंट रख दें हम इसको, ताकि कोई बाद में चेंज ना कर सके, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू होती है ना, इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो आप इसको कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं। और कांस्टेंट जावा हम कैसे बनाते हैं, फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। बेसिकली आपको किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है तो उसके सामने फाइनल कीवर्ड का यूज़ कर देंगे। फाइनल कीवर्ड का मतलब है कि इसको अब आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप कैसे करेंगे, जैसे आपको लेट से फ्लोट पाई नाम का वेरिएबल बनाना है, जिसको कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसको कोई चेंज ना करे, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे फाइनल लगा देंगे, फाइनल फ्लोट पाई इक्वल 3.14। अब आप पाई में आगे लेट से बाद में इसको 3.145 कुछ करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल हमने बनाया है, इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, पूरे प्रोग्राम में इसको चेंज नहीं कर सकते। सो आपको कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है तो आपको फाइनल कीवर्ड का यूज़ करना होगा। जैसे लेट से एक दिन में घंटे कितने होते हैं, आपको पता है कि 24 घंटे होते हैं, तो लेट से मैं इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल बना रहा हूँ, इंटीजर आर्स, तो उसमें मैं 24 असाइन करूँगा। अब ये फिक्स है, आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसको आप चाहते हैं कोई चेंज ना कर सके बाद में, लेट से बाद में कोई आर्स की वैल्यू चेंज करके 25 कर दे, तो ये गलत है, आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको फाइनल बना सकते हैं। तो इसके आगे आप फाइनल कीवर्ड लिख देंगे, फाइनल इंटीजर आर्स इक्वल 24। अब आर्स को कोई चेंज करना चाहेगा, इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहेगा दूसरी, तो वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने इसको फाइनल कीवर्ड के साथ यूज करके इसको कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे बनाया है। तो ये हो गया है यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बेसिकली सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स के नियम क्या होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफायर्स को बनाते हैं। हमने एग्जांपल्स भी देखे, कौन से वैलिड आइडेंटिफायर्स है, कौन से इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है। उसके बाद देखे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करते हैं, और अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है वो भी हमने देखा। लास्ट में हमने देखा बेसिकली कांस्टेंट वेरिएबल्स हम जावा में कैसे बना सकते हैं, फाइनल कीवर्ड का क्या यूज़ होता है वो हमने यहाँ पे देखा है। सो ये था यहाँ पे सेकेंड वीडियो जावास्क्रिप्ट की। मैं आशा करता हूँ कि आपने पहले वीडियो भी देखी होगी तो आपको ये अच्छे से समझ आएंगी। सारी वीडियो देखिए, आप छोड़िए मत बीच में, मैं आपके साथ हूँ, मैं सारा यहाँ पे पढ़ाऊँगा, बस आपको पढ़ते हुए चलना है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सारे कॉमेंट्स को पढ़ता हूँ, सबका मैं रिप्लाई यहाँ पे करता हूँ। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बस, और पढ़ते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के